असल फ्रेंड वेलकम टू री स्टोर हेल्थ दोस्तों आज हम जिस मेडिसन के बारे में बात करने जा रहे हैं ये कैफ़लॉम 500 मिलीग्राम टैबलेट है कैफलाम 500 मिलीग्राम टैबलेट बेसिकली एक पेन किलर है जो कि एंटी इन्फ्लेमेट्री के, के तौर पर भी वर्क करती है यानी बॉडी के अंदर अगर कहीं पर भी पेन है और स्वेलिंग वगैरह है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसन को इस्तेमाल किया जाता है तो आज हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं इसके डिटेल यूजेस क्या हैं ये कौन सी डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपकी इस मेडिसिन के बारे में हर किस्म की कन्फ्यूजन दूर हो सके तो आप लोगों का कीमती टाइम वेस्ट किए बग़ैर वीडियो को शुरू कर लेते हैं अगर हम बात कर लें कैफलम टेबलेट के प्राइस की तो इसकी जो कीमत है वो दो सौ छप्पन रुपये है जो कि तीस टैबलेट बीस टैबलेट की प्राइस है अगर हम बात कर लें इसके इंग्रेडिएंट की तो इसके अंदर डेक्लोफिनक पोटाशियम मौजूद होता है जो कि फाइव आ, फिफ्टी मिलीग्राम इसके अंदर मौजूद होता है इसकी अवेलेबल फॉर्म की बात कर लें तो ये सिर्फ टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है अगर हम बात कर लें इसके डिटेल यूजेज़ की तो ये बेसिकली पेन ड्यू टू अर्थराइटस और ओस्टियो अर्थराइटस उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है अगर पेन और थ्राइटस की वजह से यानी ज्वाइंट में पेन हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा ओस्टी और थ्राइटस है यानी हड्डियों के अंदर पेन हो रहा है तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा इसको मैंस्ट्रोल क्रैम्प्स में भी इस्तेमाल किया जाता है यानी अगर फीमेल जिनको पीरियड के दौरान बहुत ही ज़्यादा पेन होता है या पेनफुल पीरियड होते हैं तो ऐसी फीमेल के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा इसको जॉइंट पेन में भी इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को जोड़ों का दर्द होता है तो उस दौरान भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद है इसके अलावा इसको मिग्रेन में इस्तेमाल किया जाता है यानी अगर किसी पेशेंट को आधे सर का दर्द होता है तो ऐसे पेशेंट में भी इस मेडिसन को इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा इस मेडिसन को पेन एसोसिएटेड विद गाउट यानी अगर किसी को जो जॉइंट होते हैं उंगलियों के जैसे फिंगर के पाँव की फिंगर्स या तो हाथों की जो फिंगर्स होते हैं उसके जो जॉइंट होते हैं उनके अंदर स्वेलिंग हो गई है वहाँ पे जो स्वेलिंग होने की वजह से वहाँ पे जो एसिड है वो जमा हो गया है जो यूरिक एसिड है वो इकट्ठा हो गया तो उसको जो है ना उस दौरान भी उस पेन को रिड्यूस करने के लिए भी इसको, इसको इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा मस्कुलर पाज में इसको इस्तेमाल किया जाता है नहीं अगर आपके पट्ठों में खिंचाव आ गया पटेरों गए हैं खड़ गए हैं तो उस दौरान इसको इस्तेमाल किया जाता है टू गेट ब्रेड ऑफ माइल्ड टू मोडरेट फीवर आ, तो बुखार में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है बोन पेन में इस्तेमाल किया जाता है एंकुलजिंग स्पेंडो स्पेंडी लाइटस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है टेंडनइटस में टेंडन के इन्फ्लेमेशन में इस्तेमाल किया जाता है स्प्रेन में इस्तेमाल किया जाता है पेन एसोसिएटेड विद फ्रैक्चर अगर आपकी कि या किसी पेशेंट की हड्डी टूट गई है तो उस दौरान जो पेन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है बैक पेन में भी इस्तेमाल किया जाता है पेन ड्यू टू फ्रोजन शोल्डर अगर किसी का जो शोल्डर है वो फ्रोज़न हो गया मूवमेंट रुक गई है और उसकी वजह से पेन है तो उस दौरान भी इसको इस्तेमाल किया जाता है नेक पेन में इस्तेमाल किया है ब्रूसाइटस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी पेशेंट को ब्रूसेज़ पड़ गए हैं तो उस दौरान भी इसको इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये इसके डिटेल यूजेस थे इसके अलावा हम बात कर लें कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं कैफलम टेबलेट को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कैफलम टेबलेट टेक अ गिलास ऑफ वाटर पा, पानी का एक गिलास लेना है और कैफलम टैबलेट को लेना है इसको आपने क्रश नहीं करना इसको आपने ऐसे ही पानी के साथ ले लेनी है पूरे इसके अलावा इट इज़ सजेस्टेड दैट तो यू टेक सप्लीमेंट विद फूड तो आपने हमेशा खाना खाने के बाद ही इस टैबलेट को ले लेना है इसके अलावा मोर ओवर टेक द टैबलेट एट द डोज एंड फ्रीक्वेंसी प्रिस्क्राइब बाई द डॉक्टर जो ख़ुराक जो मकदार उसकी डॉक्टर ने आपको बताई है वही ही इस्तेमाल करने उससे काम ज़्यादा नहीं करनी बिफोर स्टॉपिंग द यूज़ ऑफ द कैफिल शोट कंसल्ट योर डॉक्टर तो आप इन्हें इस मेडिसन को इस्तेमाल करना अगर बंद करें तो उससे पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें और डॉक्टर के दिए गए मशवरे के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल बंद करना आप कर सकते हैं अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें तो कैफलाम इज़ वेल टोलरेटेड हाउएवर इट वेल बिकॉज साइड इफ़ेक्ट सच एज अगर ये जो मेडिसन है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद है लेकिन बाजुकात इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं जैसे एब्डोमिनल पेन हो सकता है पेशेंट को वोमिट कंटेनिंग कॉफी इसके अलावा uh, जो इसके अलावा जो ब्लड इन स्टूल जो आपका स्टूल है या पखाना है उसके अंदर आपको ब्लड भी आ सकता है इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकती है आपको इसके अलावा ब्लैक स्टूल भी आ सकते हैं आपको आ, ब्लैक स्टूल्स भी हो सकते हैं पखाना काला भी हो सकता है आपका तो अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन होती है तो आप इस मेडिसन को फ़ौर इस्तेमाल करना बंद कर दें आप किसी दूसरी मेडिसन की तरफ मूव कर जाएँ अगर हम बात कर लें इसके प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इस्तेमाल की तो प्रेगनेट वोमेन शुड नॉट टेक द कैफ ऑनलैस देयर डाउन doctor advised them it uh, can affect the functioning of the your baby heart especially when taken in the third trimester and breastfeeding a mother should also consult uh, with a health care provider before taking it तो so, ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट हैं वो इसको, इसको इस्तेमाल ना करें क्योंकि अगर वो इसको, इसको इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे के हार्ट का इशू हो सकता है स्पेशली ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर तीसरे ट्राइमेस्टर के दौरान और जो फीमेल बच्चों को दूध पिलाती हैं वो भी इसके इस्तेमाल में एहतियात करें अगर इस्तेमाल करना है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें तो दोस्तों आज की मेडिसन के बारे में बस इतना ही अगर इसके बारे में आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपना रिश्तेदारों का और गर्दोनवा के लोगों का सब का ख्याल रखिएगा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ओके अल्लाह हाफिज़